नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, वैसे वैसे गन्ने की मिठास बनाम जिन्ना की नफरत वाली राजनीति भी गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है और ध्रुवीकरण से लेकर तुष्टीकरण तक का आरोप विपक्षी खेमे पर ही लगा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष बढ़ती महंगाई से लेकर पर्चा लीक पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर रहा है और आरोप यह लगा रहा है कि जिन्ना बनाम गन्ना की राजनीति और बयान मुख्य मुद्दे से भटकाने की सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जिन्ना बनाम गन्ना पर है आज का दंगल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। एक महीने पहले का अखिलेश यादव का ये एक बयान उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को नैरेटिव खड़ा करने का मौका दे चुका है। मौका कोई हो, मुद्दा कुछ भी हो, जिन्ना यूपी में बीजेपी को चुनावी खेती का खाद पानी मुहैया करा रहा है। जो ये पहलाई है, जिन्ना की अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है, वे दंगा करवाते थे। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। जिन्ना के बहाने निशाने साध रही बीजेपी के नैरेटिव में गन्ना भी शामिल हो चुका है। ये अहम इसलिए है क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बावजूद किसान संगठनों के तेवर बरकरार है। आंदोलन खत्म ना करने पर अड़े राकेश टिकैत की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों पर असर पड़ने की संभावना है। चुनावी रोग लग गया है संयुक्त किसान मोर्चा। लग जा भाई, एक आधे का रोग लग जा, बीमारी है या लग जा किसी न किसी के। लोग तो कह रहे हैं क्या कि राकेश टिकैत भी चुनाव में कूद सकते हैं। मैं कहां एफिडेविट दूं, किसको चाहिए एफिडेविट? हमारी जबानी हमारा एफिडेविट है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे। और लड़वा तो पूरा देश रहा है, कौन नहीं लड़वा रहा? आप नहीं बताओगे लड़वा रहे? आप भी लड़वाओ, किसने किसी को तो उठ दोगे आप भी। लोग तो कह रहे हैं कि आप किसानों को भी लड़वा रहे हो। हम तो लड़वा रहे, सड़क पर लड़वा रहे हम किसानों। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की पकड़ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जिन्ना और गन्ना बीजेपी के लिए किसान आंदोलन से मिले चोट की भरपाई कर देगा? तो उधर सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव किसान आंदोलन की पीठ पर सवार होकर अपने लिए वोटों का गणित भुना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, पंजाब में चुनाव है, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए उन्होंने वोट के लिए फैसला लिया। अब फायदा होगा उनको, सरकार बना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कुमार कुड़ाल के साथ आज तक।